आज अबू धाबी के मैदान में भिड़ेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ, और इसी मैच के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे युवा नाइट शिवम बावी। शिवम, संडे के मैच के बाद टीम में माहौल कैसा है? कुछ दिन बीत गए हैं, वो सुपर ओवर का ड्रामा अभी तक सिंक इन हुआ है? काफ़ी अच्छा है अभी तक तो। जो भी हम लोग मतलब प्लान कर रहे हैं कि जो पीछे था वो वापस इतना क्लोज ना आए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो मैच, बट इजीली जीत गए। बट ये था कि वो सिचुएशन तक मैच ना जाए, तो अभी जो हम लोगों ने मीटिंग की है तो इसी चक्कर में किया कि मतलब हम इतना क्लोज ना लेके जाएं आगे वाला मैच, तो और अच्छे से जीतें। और जो प्लानिंग करी है अभी तक कि आरसीबी के बैट्समैन के लिए या बॉलर्स के लिए कैसे उनको खेलना है, तो जैसे हम ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं उनके अगेंस्ट, तो अभी वही प्लान किया है कि जो भी हमने लास्ट मैच में उनके अगेंस्ट गलतियाँ की थी वो आगे सुधारें। अभी आगे के मैचेस में बढ़ते हुए बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जैसे कि कहा जाता है वो शुरू हो जाएगा, तो अब से हर जीत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें क्वालिफाई करने के काफ़ी मतलब 5 मैचेस में से अराउंड 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि और टीमें भी इतने अराउंड 8 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स पे हैं, सो हमें वो 5 मैचेस में से 3 मैचेस तो जीतने ही हैं। लॉकी फर्गसन अब आ गए हैं पेस डिपार्टमेंट में, उनके आने से बॉलिंग यूनिट अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है? हाँ, काफ़ी पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रही है टीम भी, कि उनके आने से जो मिडिल ओवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और 150 की पेस पे वो विकेट पे, इस विकेट पे इतना आसान नहीं है किसी को भी खेलना, तो काफ़ी सॉलिड लग गया अभी। इतने सारे गेम्स कोलकाता नाइट राइडर्स खेल चुके हैं अबू धाबी के मैदान पे, तो क्या आप अब कहोगे कि आप इन कंडीशन से फेमिलियर हो चुके हो? हाँ, अगर देखा जाए तो काफ़ी मैचेस खेल गए हैं यहाँ पे हम लोग, 6 मैचेस खेल गए हैं, तो अभी तक हाँ फेमिलियर हो गए हैं विकेट से। और जैसा भी हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं पहले से, कि कुछ मैचेस भी यहाँ पे हमारे थे बट जो हमने गलतियाँ की हैं उससे उस विकेट पे कैसा बॉलिंग करना है, कैसे बैटिंग करना है, वो चीज़ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की राइवलरी काफ़ी मशहूर है, तो ऐसे मैचेस में खेलना आप कितना एंजॉय करते हो? मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े मैचेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि मैं किसी इनके मैचेस अगेंस्ट खेल रहा हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि इनके अगेंस्ट परफॉर्म करूँ और टीम को जिताऊँ। और रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ हमारे हेड टू हेड की बात करें तो पिछले 25 मैचेस में हम 14 मैचेस जीत चुके हैं, तो पलड़ा केकेआर का भारी है, तो क्या ये कभी माइंडसेट में काम करता है व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ गेम लाइक दिस? हाँ, थोड़ा तो इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग मतलब उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, तो वो रहता है कि हाँ मतलब कि माइंड बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हाँ इनसे हम जीते हुए हैं तो और एक और मैच हराएंगे। एब्सोल्युटली, और एक बार पहले भिड़ चुके हैं हम आरसीबी से इस टूर्नामेंट में, एबी डिविलियर्स काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पे कैसी बातें चल रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी है डिविलियर्स की? हाँ, स्ट्रैटेजी वही है कि जो हमने गलतियाँ उस मैच में की है वो वापस ना करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन होता है, अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा बॉलिंग में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बॉलर के लिए, क्योंकि बैट्समैन के लिए वो ईजी हो जाता है, तो वहाँ पर हम अपना गलतियाँ नहीं कर सकते वो जगह पे जाके, तो वही चीज़ के बारे में हमने प्लान किया है कि उसे और बेटर बॉलिंग की जाए पहले से। और पिछले मैच के बाद प्लेइंग 11 अभी थोड़ा सेटल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि द टीम कॉम्बिनेशन फाइनली सेट हो रहा है? हाँ, अभी जो आप देखो तो जो भी प्लेइंग 11 है वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो अभी हर वे में, बैटिंग में, बॉलिंग में, और जो भी हमारा मिडिल ऑर्डर चल रहा था और बॉलिंग का जो चल रहा था, तो अभी आके वो सेट हो गया है। Fantastic. Thank you so much for talking to us. All the best for the match. Thank you.